हाँ भाई, ये क्यों कर कट्ठे करा के आज सारे इकट्ठे नु करे जे मां मनीता के बताओ सी। अच्छा हाँ बेटा बोल। मैं ये कह रही थी भाई साहब, मैं बिजनेस करना है मने। अच्छा। और हाँ, उसमें पैसे की जरूरत है। पैसे की जरूरत है? कितने पैसे चाहिए भाई साहब? उसमें लाग जाएंगे 1 करोड़ रुपए तो आराम तो लाग जाएंगे। मनीता पागल हो रही है। करोड़? मनीता करोड़ रुपया? हाय बेबे, करोड़ तो ना बने, 1-2 लाख की बात होती तो बन जाए। तो न्यू बेरा छाया पे भी रुपया लग गया सर। वो बात मैं समझो हूँ, पर भाई साहब आप पे सोचो, आज अगर जय 1 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट करांगे ना, तो आगे अभी हर महीने करोड़ा में खेलांगे, क्योंकि मैंने बहुत बढ़िया बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। और आप हेल्प कर सको हो, ये बाहर तक कितने ठावांगे तो बेरा ही है, कोई कौन दी हुआ। हाय बेटी, 1 करोड़ रुपये इतने हुआ से? दादी मामन सारा बेरा है, जब भी तो कही है मने। तुम मां तो क्यों चिंता कर रहे हैं? पर भाई अपना छे मने पर आया कौन है? मेरा सगी भाई छे। और कट दूंगा जुगाड़ कितने तन कितने तन कितने कर दोगे? था के तो रुपया इस पर लगाया से तो कोई न थोड़े थे तो शैनी नु बता, मेरा हाथ चल रहे से। अच्छा बिजनेस हो जाएगा क्यों है? 7-6 महीना में हो जाएंगे पूरे सारे। 1-1.5 लाख की बात होया करे, करोड़ रुपया बता तो बढ़िया करे। की मेरी बात सुनो बेबे, मैं साल भर में लौटा दूंगी और ब्याज समेत 1 करोड़ की बजाय 2 ले लियो आप मेरे। मैं कुछ को नहीं कहूँ, बाकी ईब कत्ती थारे टुकड़े पर आवांगी और फिर पढ़ी लिखी हूँ, कद पढ़ाई काम आओगी। भाई यार चीज मन ने बोलो कत्ता है मार टुकड़े पढ़ोगे आतरा बिजनेस करवाए दूंगा मैं, कर दूंगा जुगाड़ पैसा का। देखा मैंने कही थी ना भाई साहब, नाटक होनी हाँ भरेंगे तो क्यों घबराओ मैं बैठा यार। तो भाई साहब 4-5 दिन के भीतर चाहिए थे मैंने पैसे। हाँ मैं 5-4 दिन में कर दूंगा, जो आया फिर पर और फिर कर दूंगा 5-4 दिन। सुनो हाँ, कि जाओ को पैसे नहीं देने हैं क्यों था? पैसे अरे ये किठा रखी से ये अपना घर के जमीन के कागज है। सियाणा जमाई भूल गए थम तो, दोस्त हैं वे माँ के जाए भाई कौन थारे? तन्ना नू बेरा है ना, मैं मेरी जान से भी ज्यादा प्यार करूँ उस तक, मेरा भाई मान लू मैं उसने। हाँ भाई मानो हो मान ली, ये दोस्त किसी के ना होते ठीक से। और थम भूल गए थारे भी तो छोरा से। पर तू बावली हो रही सके, तू इसने बालकपन से जाना जितना आई है जितना जाना तू इसने, इसमें कि मैं फर्क लग गया कितने? मन्ना तो सारा ही फर्क लगे सर, लगे सर, भूल गए था मैं, रोड पे ले आके छोड़ोगे? तो बावली मन्नो बता, या साल भर में देन की कह है, पर करोड़ के 2 करोड़ देन लायक थी, और तन के चीज बता? इस लालच में ना डूबो, और जन्ना दिए, फिर क्या करोगे? लालच को ने, वो नु कह आ करें, दुख में अपना एक काम आया करें, इस मारी शादी हुमा तो इनका। मैं तो मानू को नहीं, हाकी है साल भर में वापिस कर देंगे ठीक से। तेरा तो दिमाग में फतूर बढ़ जाए, कितने कौन जा पैसे दे देंगे? हर घर हर जमीन सब की मैं गिरवी टेक दिया। तू की इसमें भंग तुम्हारे से टूटा जाएंगे 1 साल बाद से? तुमने ना तो माननी हर ना मानो तो जितना न बेरा तो बावली हाकी इसका खातिर तो मैं चाहे कि मैं भी सब देश तो लड़ जाए इस खातिर, और ये तो जमीन से फिर आज की जमीन के कितने जा है आज डवा लो मान जाओ समझ जाओ। बावली मंडा हुआ है मतलब सही समझाऊं कि मैं बात को ले आ जाएंगे पैसे कितने ना जाए कौन मानो फिर? तू क्यों बुंडा मुंह कर रही है बावली? अपना दोरा रह लाग रही सारी आड़ कट्ठे रहूं रह लाग रही पता कि पीछा मामला में मां का जाए भाई धोखा दे जा, हरियो तो एक दोस्त रह गया। तेरे तो बहम हो रहा छोड़ दे ना, काट दे दिमाग में आप दे देगा यो दिमाग में तो क्यों कर काट दियो? तड़का बेटा मेरा भी से वो किस जावा उसकी खातिर की मैं ना करना। पर तुम मई बचे हो उस खातिर सब के छोड़ के जांगा ठीक से? तुमने ना तो माननी और ना मानो तन्ने सारी आन जाऊं ना किते काम जीते टोकना जरूरी, बिना टोके बिना तेरी रोटी हजम ना हो ठीक में करया हूं यो काम करो एके के मानो होता मैं सब के गिरवी टेक दिया।
70 जोड़ है इसमें, करंट और लगेगा। मेरा ने क्यों हो गया? क्यों हो गया? साल दिए ना बेरन के तजोड़ ज़्यादा टर रहा दिखा। मनीता। मनु कौन था यार? जो तू करने लग रही है, सही तो करने लग रही है। तन मेरे ऊपर भरोसा कौन की? बेरा है कि तने कुछ करया है जिंदगी में? एक बार बिजनेस में लॉस होया था, उसके बाद दोबारा कोशिश करी नहीं ना? यार मनीता, तने नो बेरा ना, एक बार आदमी दूध तो फूक ले ना, तो लासी के भूख मर मर पीवे, तो मेरे गल बन ली, मैं जब कहूँ गलत तो नहीं करा आप। कि मैं गलत को नहीं कर दे, जो भी करूँ हूँ सोच समझ के करने लग रही हूँ। अच्छी बात है, पढ़ाई किस दिन काम आओगी? अपना बढ़िया बिजनेस चलन लग जाएगा, अपने एक बेटी है उसकी अच्छी परवरिश कर पावांगे फिर दोनों। पैसा होना आज के जमाने में बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, तारे मन की बात ले। हां जी भाई साहब, हां भाई ले आई भाई साहब। हां थैंक यू भाई साहब, जो ऐसा ना आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगी मैं। अपना सुतरी डाल बिजनेस करो, बताओ को भी सुना, भगवान तारा अच्छा साथ देगा कि मैं वो कर। ठीक है, अच्छा तो चलने की तैयारी कर लियो। ठीक है, चल लेंगे। हाँ नरसिंह भाई, हाँ आज के टाइम में किसी को 10 रुपये मांगने बहुत बड़ी बात है, और मनी तंदर तो 1 करोड़ रुपये कही तब बिना कुछ सोचे समझे ले आएगा। तो भाई मनु बता, तेरे तो प्यारा मनुष्य कोई दुनिया, और तेरे खातिर यार ये करोड़ के मत 100 करोड़ चल बवार के बगा दी, ये 1 करोड़ रुपये है भाई। जिंदगी में दोस्त मिला सब ना है, पर तेरे वर्गा दोस्त किस्मत वाला ने मिला है। यह बात तो ठीक का है भाई, किस्मत वाला नहीं मिला, मन भी सब भाई दोबारा नहीं मिलना कभी, तो चिंता मन ना करो, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ हमेशा। ठीक है भाई, ठीक मेरे ऊपर बैठा ही था। चल राजा हाँ भाई माँ बिल्कुल ठीक से, तू सुना? बस बढ़िया भाई, भाभी ठीक से? हाँ ठीक से, तेरी भाभी भी। और बिजनेस की क्या कर रहे हैं? भाई बिजनेस तो बस भगवान के देते है, तारा साथ की वजह से एकदम बढ़िया है, और पहला ही महीना में 50 लाख रुपया फायदा हुआ। अच्छा है, 50 लाख की बचत आई है, ये तो बहुत बढ़िया भाई। सर भाई इतनी आई है तो मेरी सुनो, रुकम का हाँ भाई, अब मैं 20 लाख रुपये कर दिया ठीक से गुणगांव फिर दे देंगे टाइम पे पैसे। कौन रखा मांगे थी क्या खतर बोले मनीता ऑफिस में रहेगी तेरी दुबई आंटी बात देखते मास्टर। ये कौन किसे के पीछे रखा सा खा की कोई मरिया सास तई। अर बेटी टेम टेम की बात से करोड़ रुपया तो वकी मन आ समझया कर दे, अरे गुण का घाटा पड़ गया तो न पीछे मांग लिए के जुलम की बात से। शनु बखत बखत की बात होया कर ना, जिद बखत और था लग गया टोटा, अर उन के कर्म देख अर उन की हिम्मत देख, जो फिर पाठा यार आज कितनी बचत हुई, फिर उसे डाल पैसा हम फिर लग जाएंगे। अरे बेटा टोटा नफा तो डरती फिरती छाया उसे सब ये रही ही तो ओड़े और भाई सान न तो ओड़े हैं सोम जनता पर को से सिर्फ आगे समझ मार दो ही मत करा मी माती होया करे जो हिम्मत करेगा ना उसने भगवान सफल बना उसे। ठीक समा रोटी गाल के लिए अरे सुन देखो पढ़ी लिखी थी ना जिकर दिन भी जो अपना खड़िया और इतनी होशियार सेवा बहुत गणी मेहनती से जब तू भी पढ़ ली तो तू नहीं कर सकती यो काम तू भी कर सके थी फिर तन्ना शकुत तगर ने लुगड़ चपंडा कुत्ते जीते पड़ है। कोई तो मौका छोड़ दिया करो टोंट मारने का, देख जी बे कान खींच लियो देख ले माँ।
हाँ बस ये आओ सतम ने तो ठीक से रोटी ला दो किसे कहो न तो आने तो साझा हो करे से कि बापा दौर था और उन्होंने लग था अकाड़ा मारा काम बन सके से आस हो आए करे आस लेके आदमी आया करे कि लकाई दिन हो गए थे न रहते आज तो पहले कदे ना के न्यू क्या कर बेटा जब मालिक साथ बुद्धि दे ना तो साथ भी देना शुरू कर दी सक बिल्कुल लो भगवान लग गया साथ दे अच्छी बात से चलो बालक संभल जाएंगे और भाई अपना घर बार ले लेंगे उल्टा है बर्बादी हो रही थी जब तारा आई थी वो क्या कर मैडम जी ये भी किसका आ गया हेलो हाँ मैं इप्पे तो ऑफिस तक गई हूँ हाँ ठीक है देख वो फाइल मैंने कल पूरी कंप्लीट चाहिए है हाँ पार्टी आओगी बाहर तय समझे हाँ प्रोजेक्ट कंप्लीट ओके ठीक है सिर में दर्द हो गया गेट बंद कर दिए हेलो ये बात है आगे मोनिका पानी लिया जल्दी और बढ़िया सी चाय बना ले और किसी का भी फोन आवे तू अटेंड कर लिए बोल दिए मैडम रेस्ट कर रही है ठीक है जा मैडम आ गए आप ना मैं तो इधर रास्ता में हूँ और तो मेरा भूत बैठा है 24 घंटे मजाक करे लगी नो बता ऑफिस का दिन किसा रहा मेरा ही है जी खा ले आजकल ले सही है इसने भी गाली दे जरूर छोड़ जा करके हम सारा लाग जा मेरा भी ऑफिस में चाह पानी वो कौन देगा मैं तो यूं कहूँ तू मेरे साथ चल लिया कर कम तक हम कुछ तो काम करेगा आपा कौन जावा छापा कौन जावा मूछ बेली तेरा काम तेरे समझ माना तन नहीं करना अपना तो बिजनेस पहले था उसमें हो गया थैंक यू सही बात है बाप बेटियां स्वाद आ रहा है सही कह है बेटी किस तरह बाप बेटियां स्वाद आ रहा है वह हॉस्टल में जाके बैठ गई अगना मैं तोड़ा ही पढ़ूंगी तन अगर तो बाहर नहीं निकलना मन तो करना ही पड़ेगा ना काम फिर सही है काम भी जरूरी है और बेटी ने बीच में ना ले आकर बात में ठीक है तेरी ये बेटी है मेरे तो गिमलाग दी कोनी मोनिका चल लिया जल्दी सिर में दर्द हो रहा है मेरी बात सुन नरसिंह भाई का फोन आया था अच्छा ठीक हो था कुछ ना पूछा था भाई ठीक ठाक सो के मनीता ठीक से बिजनेस के साथ चल रहे हैं बताई थी मैंने मैं भाई पहला महीना 50,00,000 रुपया प्रॉफिट होया है अच्छा रहे खुश हो गए सारे बहुत बढ़िया बात है और फिर नुको था मतलब 21,00,000 रुपये तो दे ही दिए भाई क्योंकि मैं ब्याज बट्टा दे दूंगा कि मैं तारे ही उतरेंगे मेरे तो क्या करना मन तो फिर तने बगीता गाना जरूरी है 50,00,000 का प्रॉफिट होया है तेरे बताया तो मैंने नू था अब चल नू ना सोचेगा अब भाई कि मैं लॉस हो गया कोई बचत को नहीं आई हर चीज बताऊ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना तो छोटी छोटी चीज घर की उड़ा बताऊगा तो मनीता यार देने तो सही रुपये देने हैं मैंने को नहीं कहती ब्याज समय देने हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा ये तुम मेरे पास सुन ये मान ले 20,00,000 उसकी पकड़ा दिए बचे 30,00,000 है तो एक्सपोर्ट का माल क्यों करा होगा मजदूरा ने कह दूंगी मैं कम तक हम इतना तो सोच लेता और रही दूसरी बात है भाई साहब गई तो पहला पीछे क्या अगला की एक साल का नाम लिया था ना तो ये बताओ 4 महीने हुए हैं यार उसने के फोन करके नू गई तब मेरे रुपये दो उसने तो एक बात ही कही है कि भाई इतना प्रॉफिट हुआ तो सही है 20,00,000 दे दे अपना तो फायदा है उतरेंगे मैंने ब्याज सिर पर वो बिजनेस ने के जाना है उसने कम तक हमनू सोचना चाहिए अब बिजनेस में जब तक काफी पैसा भरा है ना बचत तो उसके बाद आनी शुरू हो है कम तक हम साल दो साल तो जमेगा ना सही बढ़िया वाला उसके बाद प्रॉफिट जो आओगा कम से कम भी मेरा एम है कि मंथली का गणा नहीं ना तो 1.5 करोड़ रुपया तो बचे समझे उसके बाद उनका दे देंगे देख ले भाई तुम ठीक लाग उस तरह देख लिया और आगत है ना कोई जरूरत नहीं है कुछ भी बताने की
खांसी हो रही है, जाके दवाई मना नो कही दी, दवाई लिए ये ड्राइवर ने ले जी। घर है उसकी छोरी का ब्याह हुआ है। हाँ उसकी छोरी का ब्याह, इनका तो रोजे ब्याह नहीं जाओ है। जा कभी आना उसके। मैं ना जानती, मैं तो इतना टाइम को नहीं फालतू, तो चले जी। सही है भाई। मोनिका जल्दी आ जा, लेट होने लग रही है अभी मेरा। नो बतावन है। हाँ हॉस्टल में कौन चल रहा छोरी का? पागल हो रहा है कि मैं कौन जा सकती? तो जाएगी। क्यों भाई, क्यों कौन जा सकती? आज मेरी जरूरी मीटिंग है। मनीता यार ये मीटिंग तो जिंदगी भर चल रही है, कम तंग बाला का तो टाइम दे दिया करिए। अच्छा ये बिजनेस मन ने कोई खड़ा करया? अरे बालका ही बात है, ई हो जाए उसकी पढ़ाई पूरी, अपना पिन आ जाएगी फिर पूरा ही रहना है उसने। रहा तो जागी, पिछली बार भी नु बोली मम्मी ले आई हो। देख तने बेरा है, सवेरे लिकड़ के जाऊं शाम ना की बड़ो। अरे ऊए काम का बटन है ना इतना है मेरे सर के ऊपर, दिमाग पटन हो रहा है 24 घंटे पैसा 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 लग रहा है यार। तने बेरा है ना कितनी मेहनत करी है मैंने, अड़ तक पुचण में बहुत पसीना बाया है मैंने, और मैं कौन जाती वे एक दिन की खातर है, और मैं मेरा करोड़ों का नुकसान करूं। सही है भाई, समझ तरीके का इसका काम तो क्या अच्छे के लिए। मैं तो ना लियो, मैं तो जाऊंगा ना लियो जाए यो, और कुछ खान का ले जियो उसकी खातर है, और दिवाई यो कि मैं 20,000 पी उसने जरूरत पड़े तो। मोनिका विक्की भाई साहब आप? हाँ तो ठीक से भाई। हाँ ठीक ठाक। किस गया विकी? वो नान हो के उसका गुड़िया का जाओगा। हाँ हॉस्टल में जाने की बात कर रहे थे। और बिजनेस ठीक ठाक चल रहा? हाँ भाई साहब बस आपकी दया है बढ़िया चल रहा है। क्यों कराने हो एकदम, तो फोन फान भी ना करे आपने? बस मैं कहूँ था वो जमीन के मकान की नीलामी खातर आए थे। अच्छा तो तुम्हारा हाथ पाँच जोड़ कर 10 दिन खातर रोके हो, उनका करार हो गया पैसा का, पैसे देने हैं उनके। तो कोई बात ना भाई साहब, थोड़ा और रोक दियो उसने, क्या दिक्कत है? मनीता साल भर खातर तो दिए थे और वो टाइम पूरा हो गया, कि मामला कितने दिन खातर और रखो, और इब तो तेरा बिजनेस भी ठीक चल रहा है बढ़िया, बचत आने लग रही, इब तो कर दो। भाई साहब मानू हूँ हक बचत अच्छी होने लगी, पर गैल की गैल लगाना भी तो पड़ा है पैसा, और इब मेरा इतना बढ़िया बिजनेस चल रहा है, और जब मैंने उसमें रुपये काट लिए ना तो मेरा नुकसान हो जाएगा। आप क्या चाहो हो कि मैं घाटा में चली जाऊं, मेरा लॉस हो जाए, मेरी कंपनी डूब जाए? ना ना मनीता, मैं नुकसान हुआ तो मैं क्या ना पैसे दूं था, फिर एक चीज का तो ध्यान कर मनीता, मैंने मेरी पुश्ते में जमीन टेक रखी है, घर से वो उनकी खाली एक यह तो निशानी बच रही है। ओहो भाई साहब कौन सा जमाना में जी रही हो आप, पुश्ते नहीं जमीन है पर दादे जा लिए, दादे जा लिए बेच बाच दो, वो भी गामा में रखा की है, आप शहर में आ जाओ, मैं कितने बढ़िया सा मकान दुआ दूंगी आपने। किसी बात करे मनीता, जमीन बेचती हूँ और यह मेरी पुश्ते नहीं जमीन है, और उस चीज ने मत बोल रहे अकाल तो जिस मकान पर खड़ी है ना, या उससे जमीन की मेहरबानी है, और मनीता माँ जोड़ू माँ मेरे तो पैसे मांगू हूँ, और जन्ना देगी मेरे बालक तड़के रोड पर आ जाएंगे। देखो भाई साहब मैं सारी समझू, मैं कहने तो लाग रही हूँ, इफ तो आपका लड़का भी बड़ा हो रहा होगा, मैं मेरे साथ बिजनेस में लग जाएगा कोई दिक्कत को नहीं, अच्छे खासे पैसे कमाऊंगा, अब बेच पास दो बड़ा रखे भी के है, मैं कहने लाग रही रे। किसी बात करे हमने तो मैं नहीं बेच सकता उस जमीन। देखो आप एक काम करो, उसने तो जब पैसे कमा लोगे बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करोगे तो फिर कमाए पाछा आप उस जमीन ने दोबारा खरीद सको हो। मनीता जब मेरी मान बेरा लगेगा ना अख नीलामी हो से वह तो जिंदगी मर जाएगी। तो भाई साहब आप के चाहो हो, मैं रोड पा जाऊं नो बेरा है, खून पसीना पाया है मैंने पूरा तक इस मुकाम तक पूछन खातर, और आज के कहो हो मैंने तेरे बोल दिया ना कि रुपये दे दूंगी, आप करके बात करने लग रही, शायद फिर समझ में आ रही आपका। पर मनीता मैंने 1 साल खातर तो दिए थे, और इब तो तेरा बिजनेस बढ़िया चल जाए, क्यों मेरे साथ ईसा करने लग रही है? पर मनीता पैसे लेन देने तो तेरा मन और था, आज आंख बदलने लग गई। मैं आंख नहीं बदल रही,
पर यो बिजनेस का रूल हुआ है, अगर एक बार पैसा लगा दिया तो बार बार उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो बिजनेस का टर्म चला जाएगा। और मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने बोल तो दिया, 50 बार बोल दिया कि आपके दे दूंगी, खा के नहीं मर रही मैं। मनीता, तेरा तो बिजनेस का टर्म जा है और मेरा परिवार मरन लग गया है, उसने तो देख ले। तेरा परिवार का कुछ ना हो, मैंने बोल दिया ना, थोड़ा सा टाइम और दे दे, 2-4 महीने की बात है, 2-4 महीने कौन रोक सकते आप उसने। मनीता, मेरा हाथ में बात थी, इतने तो मन रोके रखा, ये वो नीलामी आड़े क्यों रुकेंगे बता, मेरे क्या हाथ कितने का हाथ में जोड़ू उनके। देख, सवेरे का टाइम है, मैंने ऑफिस में जाना है और आज मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है। अरे आप एक काम करो, आप आड़ता चले जाओ, हो सके अगला मंथ ही मकरण की कोशिश करूंगी, ठीक है। देख ले मनीता, मेरे बालक तेरा हाथ में है, उनकी जिंदगी। बोल दिया ना, अगले महीने की कोशिश करूंगी, दे दूंगी मैं। ठीक सुना मोनिका, ये बेरा निकले मर की। मोनिका, आदिति कह रहे तू, जल्दी आ। आदिति कह रहे थी, इतनी देर तक अंदर थी, तन्नो नहीं बेरा लेट हो लग रहे हैं, चल चलो दीदी। और ड्राइवर तो फोन कर दिया? हाँ कर दिया दीदी। चल फिर। क्यों बात है, खाली आते पैसे कौन ले आए? पैसे के वालों को देख भाई, महीना में कर देंगे, थोड़े बिजनेस माहौल बता दिया उसने। महीना में? हाँ। सियाणा 1 साल हो गया। क्यों बात है, रोज के लोग ताने दे के जांच से कत्ते ही सुनोगे। क्यों बात होगी, इतने दिन रुक रहे हैं, 1 महीना कोई ज्यादा दिन थोड़ा है, ये निकल जाएंगे ये तो। मनी तन करी है बात ही। हाँ। फिर क्यों होता, दे देंगे भाई, आ जाएंगे, क्यों चिंता कर रही है तू? हाँ बेटा। हाँ माँ। क्या बात है, तो पीछे आना का तन वेरा कोई करार आ रहा है? करार तो आ रहा है माँ, और नू बल्ली बिजनेस में और बता दिया, पूरा पिए उसमें लगा दिए, बोले महीना के मैं दे दूंगी माँ। हाँ रे बेटा, वह बिजनेस पाछ बढ़ा ले, पहले यो आंख पार देर हर तन बेरा से अपनी तो दद्दा लाई जमीन से बेटा। माँ मन बेरा है, और तू चिंता में न कर, मनीता अपनी जमीन ने कितने को अनजान थे, और तन बेरा हम उसने मेरी इतनी सेवा करी है, उठ बहुत गणी सेवा, ये मैं के बताऊं उसकी सेवा, पर माँ आन भी ना देती मन बोली ना भाई साहब, 2 दिन रुक कर जाओ, मन ना मन कर काम से जरूर जी ठाडम दावा आया तू, आया भी जी छुजी दवा ऑफिस में चली गई। बेटा सेवा तो किन्नी को नहीं जानी होती, सेवा तो मेरे बेटे ने मैं बूंद काट के खुआ दू, उस तो बड़ी सेवा को नहीं, पर बेटा जो काम में बेइज्जती होने लग रही सन वह बस इतनी होने लग रही से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। सियाणा 1 महीना नाम ले दिया मनीता ने, 10 दिन में अपनी जमीन गिर घर की लीलामी होनी से तो नहीं इतना ही बेरा होगा, हर एक छोरा से वो रोड पा जाएगा, मन तो ऐसा लागे सर सारे जने कटोरा लेके ने भीख मांगनी पड़ेगी। बेटा हर जगह जमीन चली गई ना, तो मैं जिंदा ना रह पाऊंगी बेटा, मैं तो उससे दिन मर जाऊं जिस दिन अपनी धरती माँ भी लाभ हो जाएगी और गांव गुआंडा बदनामी हो जाएगी। माँ तो क्यों चिंता कर रही है, तंत्र बेटा भरोसा को नहीं, मैं जी हूँ इतनी जमीन का बाल भी बाका ना होने दे, और तन बिकी भरोसा को नहीं, वही सा हो लेने देगा, तू चिंता मत ना कर, वो 1 महीना देख, 1 महीना होने तो पहले आ लेगा पैसे लेकर। बेटा 10 दिन सन दुखी आदमी थे, 10 साल बराबर हो जाकर और अपनी खातर तो 10 मिनट का बराबर से जितना हो उसका जल्दी कर ले बेटा, जमीन ना जानी चाहिए। माँ तेरा बेटा इतना कमजोर को नहीं बा, ठीक तू चिंता मत ना कर, क्या है कि भी जमीन ने कितने को अंजाड़ दियो, ठीक से बेटा ये चीज से ना रहान की वाक घटान की नहीं। तो माँ कौन है घटाऊं, हम तो वो चिंता कर रहे हैं दोनों के दोनों। हाँ हम दोनों में चिंता कर रहे हैं, लोग आगे ताने सुने ना जानते, बाहर भी ना लिकड़ा जानता। बाहुड़ी ये बिना की जीप से लोग को एक किस बल मारते, आदमी ने सहना चाहिए थोड़ा बहुत। कितनी क्षमा, कितनी क्षमा, यूं तो बता दो मैं इतनी सह लूं माँ, बोलते क्यों को नहीं आप? देखिए माँ वो चिंता करी, कह तो दी बिकी को नहीं जानती अपनी जमीन ने, आ लेगा वो टाइम पर। बेटा
एक साल का टाइम दिया था, एक साल मतलब मुड़ के एक बार भी हुआ मनीता आके ना समझाने जोगी भी ना हुई, अकेले बुढ़ी माँ से उनका घर में माँ किसी बात करे है तू वो अपना बिजनेस संभाले थमने संभालना एक तो पैसा कर मेरा घर तीन घंटे बच रहे बस जो जमीन होगा मेरे दौर रहा था तीन घंटे पासे इसकी नीलामी हो जाएगी हर जगह नहीं बची तो मैं मर जाऊंगा मेरे बालका क्यों होगा तो नू क्यों करने लग रहा है भाई करवा देगी तो रुपये कह देंगे मनी तने क्यों होगा फिर भाई इस जो वक्रा हजार तीन तरह रुपये दे दे मैं पहले भी आया था तेरे घर जिन्हों बोली अब छोरी तो हॉस्टल में जा रहा मैं तेरे हाथ जोड़ू भी भाई किसी बात कर रहे सिंह देख मतलब तेरे खातिर मेरा सब की मैं दाव पर लगा दिया आज नू ना करा तू चुप हो कल चले मैं फोन करूंगा नीता तो पलका ले बचा ले रो ना चुप हो जा तेरे जी छोटा क्यों कर रहा है यार मैं भाई दादा लाई जान लग रही पर गम मेरी हेलो हेलो मनीता कहाँ पे है कहाँ है अरे मैं वो ऑफिस का काम में बाहर चली गई मैं चार पांच दिन में आऊँगी अरे यार चार पांच दिन में आओगी नरसिंह भाई आ रहा है यार अच्छा वो इसलिए होगा ना कि दस दिन में पहुंच जाएगा अरे दस दिन किस तरह गुजरेगा यार तीन घंटे हम नीलामी इनका करेंगे किसी बात कर रहे थे तो वो कर दे तू ऑफिस में भेज दे किसी ने पैसे पैसे देने दे देंगे ऑफिस में आदि करे भी किएगा क्योंकि चेक तो मैं साथ में लेगी और घर ना तेरे चेक लिया है हाँ लिया है पूरे सने पूरे तैयार दरे थे उसने पहले इधर रखे थे किन का अच्छा हाँ बढ़िया हो गया तमी भी एक काम करो के पैसे आगे हाँ इब जाके जल्दी नीलामी की जगह चले जाओ तुम नीलामी रुकाओ मत हर गल गल आया एक बार मेरा काम है थोड़ा भीतर ठीक सर आज बेटा आ जाओ जल्दी जल्दी रुको आ जियो ठीक सर आ टाइम तो आ जियो हाँ भैया आया मगर के ले आई पैसे हाँ जी ले आई पैसे कड़े हैं क्या ठा लिया देख इन कागज में पड़ गया मन्ना माफ कर दियो मैं पैसे नहीं चुका पाया मैं गया था पैसे लेने के लिए लेकिन उन्होंने मना कर दिया अनीता मैंने माफ कर दिया रोहित बेटा कदे भी मेरा जीसा ना बनिए मैं यारी दोस्ती खातर सब कुछ खो दिया और मैं इस मकान की नीलामी कौन देख पाऊँ ताम वापस आओगे इतने बहुत देर हो चुकी होगी मैंने माफ कर दिए बापू बापू रोहित के पापा रोहित के पापा रोहित के पापा रोहित के पापा
सर टोए बैठे रोहित के पापा, 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 बेटा कुछ तो बोल, रोहित के पापा के बड़े, रोहित के पापा, रोहित के पापा, बेटा अरे कुछ तो बोल बेटा, कीमत तो बता दे। अरे माँ जी को देखो यार। पापा एक बार तो बोल जो। ए माँ, माँ का दर बेटा ना बोलना दे। रोहित के पापा, रोहित के पापा, रोहित के पापा एक बार बोल जो। सारी तरिया लूट गए पर सामने भी ना मानी मेरी ज्यादा मान लेते ही सही हो दिन ना देखना पड़ता। हाँ जी, किसने तो भाई साहब उरे नरसिंह की फैमिली रहा कर दी। नरसिंह जी वो ने कहा जी घर ने लाम हो लिया। ओ तो यूं बता सको हो है कि वे तो जी उनका एक पुराना घेर था उसमें गए। अच्छा ठीक है जी, धन्यवाद आपका। अच्छा अच्छा आपने नरसिंह जी से मिलना था कि? हाँ जी। वो तो इस दुनिया में रहे कौन नहीं के? उनका घर नीलाम हुआ ना तो उसका सदमा वो झेल ना पाए, इस वजह से थोड़े दिन पहले उनके ध्यान तो होगा था। अच्छा हाँ जी, धन्यवाद जी आपका। ओके हाँ जी। हाँ बेटी क्यों करा रो? इतना पूरा तो अपना तो जुगाड़ को नहीं पढ़ाई का, मेरा तो इसा जी करस है जन मार गड़ा भेज दे इसमें। बेटी घर ना तो भेज दे फिर मेरा जी कुकर लगेगा, एक रोहित तो सह जिसका सारा मेरा जी लाग दिया सह। हाय माँ, चाहे तो जी लगा ले चाहे छोर की जिंदगी बना ले। देखिए गेट पर कौन सा निकला, कौन सा है, भीतर ना आ जाओ। तू अनिता यो एकदम तक ही होया हार ले, जो थर थर रकम ली थी मैं वो लेके आई, सारे पैसे हैं हाँ, बल्कि डबल लेके आई हूँ मैं। रोहित पूरा बेटा ये सूटकेस फेंक दे उड़ता है, बेशरम पर कितना कर्जम ठंडक है, होगी खुश मेरा बेटा बिना बाप का कर दिया था ना। अनिता मैं मानू हूँ मेरे तो पैसे देने में थोड़ी लेट हुई है, पर मन कही तो थी मैं बाहर जा रही थी कि आंधी मैं दे दूंगी, और जो करे आई हूँ आते मैं पैसे ले आई ने। हाँ हाँ तने कोनी सुहाई मेरे घर की खुशी, कोनी सुहाई तने मेरा मांग में संदूर होगी होगी और छोड़ी सोचिए तो बंगला मत तू। बेटी रोना तो क्या फर्क पड़े से, क्या तो सब कारण से इसने के मेरा गरीबी टोटा हर जो मेरे घर से लाल चला गया वो तू ले देगी के? मेरे घर की मरी चली गई है, मेरा हीरा गया तू दे देगी के वो? तो दादी माँ मन को नहीं फेरा था इतना सब कुछ हो जाएगा, और मैं बताई थी मैंने भाई साहब थे बार बार बोला था जो करे मेरा बिजनेस अच्छे से चलन लग जाएगा मैं पैसे लेके खुद आऊंगी। हर देख आज मैं इतने रुपये लेके आई हूँ, थमने साथ पीटी थी कमाने की जरूरत को थम बैठ की खास को हो बस। उरा की उरा चुप, एक जबान भी ऊपर नहीं बेटा। रोहित
बाल का बाप गया है, ले देगी वापिस। रोहित तू मेरा सुहाग गया है, ले देगी वापिस। मैं मानू हूँ मैं नहीं ले आ सकती, कम से कम फिर इन पैसे से तुम अपनी जिंदगी शुरू कर सको। अरे चुप, थप्पड़ बनी पापण अत्याराने मार खानी, तने शर्म नहीं आई? तू आज आ गयो बैंक पर की रुपया का, हम इन लोटा के भूखे कौन थे, हम मिर्च रोटी खा लेंदे, पर मेरा बेटा मर दो रे रंदा, इतना के बुरा करया था, तो अच्छी कोठी में बिठा दी, धनवान बढ़ा दी, और मेरा ही बेटा खा गई तू, डाकन माँ हद के मुंह लेके आ गई तू, तेरे माँ भी शर्म नहीं आई, कह दे इसने, अब धक्के मार तो पहले लिखर जाना, मैं ऐसा धक्का मार दूंगी जिंदगी भर याद रखेगी। हरदा पापन यो इस बुढ़ी का शराब से कदे जिंदगी में सुख ही नहीं पाओगी, जो कर हम रोड पर ले आती अंत में इस तभी बुढ़ी दशा होगी तेरी। चली जा मुड़ के मत देख ली, हरियो लोटा का गठड़ ठा ले जा, तेरा काम आओगा, ना भीख मांग के मरेगी नरबाग पापने। तू ठीक कह सही, होनी आई थी अपने घर में किसी दोस्त थे ये ले ली मेरे बेटे की बोली। कोठी मरा सन या तो करोड़ा मरा सन, जिनके लाल था जिनके आदमी था जिन पाला के भाई था उनने मेरा उसका। तो जा भीतर जा। क्यों हो गया नु, क्यों रही है? वो था कि पैसे लेके गई थी वापस फेंक दिए, नोले हमने जरूरत कोनी, जब जरूरत थी उस टाइम पर दिए कोनी, और सब तो बड़ी बात है ये नरसिंह भाई साहब को नहीं रही है। हाँ के कहने लाग रही मोहिता, बेरा कोनी क्यों हो अमन, तो बेरा भी कौन पाटा कुछ बताइए कोनी उनने, मैं कुछ पूछती उस तो पहले धक्के मार दिए, अब तू लेकर जाते हैं, मेरा क्या कसूर था? पैसे लेके तो गई थी ना मैं, और थोड़ा बहुत लेट सेट होगी तो मतलब मैं क्या करूं, मैं बाहर जा रही थी, मेरा बस चलता तो मैं पहले ही पकड़ाया अंदी ना उन्हें। अरमा भाभी वो ठीक है, मैंने कही थी मगर पूरी सूटकेस भरी है, 1 करोड़ को नहीं मगर इसमें 4-5 करोड़ है, थम राख लो, थमने 7 पीटी कर मतलब कमाना भी ना पड़ेगा, छोरे की भी तो जिंदगी अच्छी डाल कटे इरने, पर कोनी लिए भगा दी। तने मेरी सुनी को नहीं एक बार भी, और मैं उस दिन कहूं था कि वो नुगा 3 घंटे मेरी बोली लाग जाएगी मकान की, पर नहीं। तुम मैं की कर दे फ्लाइट में थी, उसने उल्टी मुड़वाती के गाड़ी में होती तो भी आ जाती, मैं की कर दी, मन थोड़ी ना मेरा था कि ये चीज होनी है। मनीता फिर भी यार कितनी देर रोक गया नरसिंह मेरे दौरे, यार उसने जरूरत थी उस टाइम मजबूरी में उसने अपना काम साध दिया था, और फिर भी यार तू दे सके थी यार रुपये थोड़े थोड़े करके, और जब दिनर सिंह ने कही थी कि भाई तो काम चल पड़ा 20 लाख दे दो 10 लाख दे दो, और 5-5 लाख देती तो भी उतर जाते इन तक रुपये, यार 2 साल हो गए, 1 साल का नाम लिया था यार। तो फिर मन ने तुमने ये सोची थी ना कि 10-5 लाख का क्या देना, और मेरे तो यही थी ना कि एक दिन में घने सारे रुपए लेके जाऊंगी और वो भी खुश हो जाएंगे, मन ने थोड़ी ना बेरा था कि ये चीज हो जाएंगी। मैं जाऊंगी, मैं देखा हूँ रुपए में। देख मेरी बात सुन, ये उस गर्दा पे कोई वास्ता नहीं रखना समझा, क्योंकि जब मेरे धक्के मार सका है तो के बेरा तेरे थी के कहेंगे, और वो चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब कोई तेरी बेइज्जती करे। मनीता यार उनकी सारी जिंदगी कमाई थी, उसने अपना घर जमीन सब की मदद कर दे रखे रुपए, तो लेके गई थी ना, गई थी बोला था रख लो कम से कम पैसे तो धर लो, मैं जान की दोबारा टाड़ा कर देते, पर ना
फेंक दिए सारे, हमने कौन जरूरत है तुम्हारे लेकर जाए शक्ल ना दिखाई आज के बाद, उल्टा मेरे ती ब्लेम करने लग गए। अब तन्ना मारिया है तू है मानस खानी हद्दारी ना, तू बता इसे इसे वर्ड बोलन दे मने, और जो तेरे ती कह देंगे मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं चाहती खाम खाने उन्ना मैं कुछ बोलू, क्योंकि जो उनको परवीतरी है उन्हें छोड़ दे, उन गाल के ऊपर छोड़ दे बस, ठीक है ये रुपये जाके ना और वापिस जमा करवाए ये बैंक में। अच्छा सुनो, रोटी बना दी है और सब्जी बना रखी है, खा लियो। रोटी सब्जी तो खा लेंगे, मैं थोड़ा बहुत ध्यान दे ले खुद पे भी। क्यों क्यों हो गया? क्योंकि ये देखिए बाल लाल से आधे आधे काले से, अरे उम्र देख ले क्यों हो रही है। तो जाए अगर तेरे को रोका है कि किन जाए हूं आजकल पार्लर जैन सुबह तेरी खुल रही है। बस जाए मैं तो हम तो नहीं सही था। अरे सुन तेरे खातिर एक सरप्राइज है बढ़िया। ये की है बेरा ही नहीं सरप्राइज किया उसका है, पुन्नम आ रही है। पुन्नम आ रही है और कितने रात ना आई थी लेट, आते ने बोली एड ऑफिस के मिनिस्टर साहब कितने मिनिस्टर साहब सुते हैं नहीं बाबू मैं तो बन जाऊं, मैं तो ऊपर जाकर सोऊंगी, तने बेरा जान दे भाषण सर हो जाए ऊपर सुती है। रब बाप बेटियां का ना कुछ भी नहीं मेरा। पुन्नम है बाप रे तन मेरा हो मन चक्कर आ जा, इतनी बड़ी हो गई लेकिन बचपना नहीं गया वो पता मने तो रात ना आई मजा आई बस मार रही छोरी ने है मोटा दिमाग की। अच्छा मैं मोटा दिमाग की क्यों नहीं बताई? मम्मा सो रहे थे। अच्छा सो रही थी लौकी। देख मेरी बात सुन ले शानी, सारी बात ठीक से पर इसका नहीं आटा हो, तो अपनी लड़ाई हो जाएगी देख। ओहो बाप बेटी का प्यार है। अच्छा ठीक है फिर एक काम कर लियो, मोनिका ना उरे छोड़ जाऊं, कुछ भी खाना हो उसे बनवा के खा लिए। और तो एक बात बता, इतना कुछ खान पीन का भिजवाया कर, देखिए बीच में तो टूटन हो रही है, कुछ खाया नहीं तने। सुन मेरी बात है, तेरी बेटी से तन्ने जिस तरह मेंटेन लाग रखे ना कुत्ती या भी उस तरह रखे मार भर के थोड़ी है, पूरे पेट आ गया बाल धोले हो गए मुंह के सिर के धोले हो गए के करा बता। जब देखा जब कान खींचता रहोगा, और मेरी बात ध्यान तो सुन ले, इन्हें दम आराम से रोटी पानी खुआ दिए और थोड़ा बहुत है ना काम सीख ली भी, समझ गई आगे ब्याहनी भी है। हाँ इब्बा बना दे तुम्हें चीफ मिनिस्टर, आई से छोरी बेरन पीछे पड़ जान दे। देख लो डैडी मम्मा की वही बात फिर से, घर में आते ही फिर शादी ब्याह की बात ना, बेरा गुंदरी बात उल्टी बात करने आ गई कि देखिए सही करे आज तक। चल मैं लेट हो रही हूँ, तैयार तो नहीं है चपर चपर चाली जागी, खाना खा लिए टाइम पर जाओ। मोनिका बैग लेके आ जल्दी। मोनिका प्रिंटिंग बोल दे जल्दी। मोनिका आंटी आज है ना, मैं जाऊंगा अकेले, इसने जो भी खाना हो बना के खिला दिए। मैं बताऊं और ना आज तेरा पेंडा छूट गया घर में और ना कुछ खाओ ना तो एक फोन कर दिए फिर मैं इसने बताऊंगी। मैं अपना खुआ दूंगा जाओ जी आप। हाँ निकाल के राजी हूँ मैं तो। कह दे बेटा जा। बाय बाय मम्मी बाय। ओहो ओके क्या करे लाखो पाए की होया करे मन तो बोलना है। चल इधर बैठा आराम से आजा मोनिका कॉफी बना के ला दे। मारेगी के जमा मारो तन फिर तो झूठ क्यों बोली? सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती होगी? ऐसा सरप्राइज पसंद ना आया मैंने, कम से कम बता तो सके था मिलाना आ रहा हूं मैं तेरे से। बता दे फिर सरप्राइज किस नाम का? के देखा इसमें कुछ ना देख ली तो छोड़ दे इसका पंडा, तेरा गमा आ गया छोड़ ही रखा है इसका तो। चल अंदर चला। किते घर है ना? क्यों क्यों तने कौन मेरा बात का? बात का मैंने विभे रहे रोहित पर नू बता इससे बढ़िया था पापा कॉलेज में ही ठीक थे, कम से कम रोज मिला तो करता, यूं क्या है रोहित? तने बेरा कौन की बता तो दे एक बार। बेरा है मैंने और उसमें मेरी गलती माँ की गलती कोई को नहीं, मेरी माँ गई थी
पर तेरी मां ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दी। तने बेरा मेरी मां धक्के मार के क्यों काटी तेरी मां? बेरा है के? बेरा है, मां ने मेरे तो बताई थी। मां गई थी पैसे लेके, उनने पैसे भी भगा दी। इतनी बेइज्जती कोई सहन को नहीं करे। और उस तक के हुआ मने ना बेरा आगे के हुआ मने बेरा सुने तो पैसा करवा दे मेरा घर तीन घंटे बच रहे बस जो जमीन आ रही होगा मैंने धोर रहा बस तीन घंटे पास इसकी नीलामी हो जाएगी हर जगह नहीं बची तो मैं मर जाऊंगा घर बड़का क्यों होगा तो नू क्यों करने लग रहा है सिवा ये करवा देगी तो रुपये कह देंगे मनी तने क्यों होगा फिर भाई इस जब करा हजार तब तेरे पी दे जा मैं पहले भी आया था तेरे घर जिन्नू बोली अब छोरी तो हॉस्टल में जा रहा मैं तेरे हाथ छोड़ू भी भाई किसी बात कर रहे सिंह देख मतलब तेरे खातिर मेरा सब की मैं दाव पर लगा दी नू ना कर तू चुप हो चल चले मैं फोन करूं मनीता तो पलका ने बचा ले रो ना चुप हो जा तेरे जी छोटा क्यों कर रहा है यार भाई दादा लाई जान लग रही हेलो हेलो मनीता कहाँ पे है कहाँ है अरे मैं अरे यार चार पांच दिन माँ होगी नरसिंह भाई आ रहा है यार अच्छा वो इसलिए होगा ना कि 10 दिन में पहुंच जाएगा अरे 10 दिन किस तरह गुजरा यार 3 घंटे हम नीलामी इनका करेगी किसी बात कर रहे थे तो वो कर दे तू ऑफिस में भेज दे किसी ने पैसे पैसे देने दे देंगे ऑफिस में आगे कर भी किएगा क्योंकि चेक तो मैं साथ में लेगी और गाड़ी ना तेरे चेक बुक गल लेगी मैं चेक बुक भी साथ लेगी तो ये भी यार नरसिंह भाई आ रहा है यार पता है क्या करूं मैं यार भाई साहब ने कह दे सिर्फ 4 दिन टुकड़े को न कह सुन के रोक लेगा अरे 4 दिन की यार समझा करूंगी कि मैं अभी इतना बिजी हूँ मैं बात करूंगी ठीक है बाय बाय हेलो बाय बाय हेलो हेलो भाई क्या बोल रही क्या बोल रही यार भाई नुगा 4-5 दिन रुक जाएगा भाई मैं तेरे पापा को तेरे बालकार बचा ले देख तेरे बुरे बखत में बाय काम बाय आज मेरा सारा परिवार मर जाएगा अगर ये नीलामी होगी तो किसे नाल बचा ले भाई नरसी खड़ा हो भाई उरो बैठ खाट पे भाई देख मेरे तो हाथ में की मिसाइल कौन तन बेरा है मेरे ना तो चेक पर साइन हो ना कुछ चेक पर साइन भी उसके हो चेक भी गैल लेके जा रही है यार भाई नहीं मैं तो इब्बे चेक पढ़ के देता तन 2 मिनट में मक्के जवाब जो बात अकमा तेरा बेटा नकारा लिख लिया आज तेरी पुश्ती नहीं जमीन ले नहीं बचा पाया अकमा लेके दोस्ती का फर्ज निभाया और मेरा दोस्त गदा लिख लिया इस दोस्त ने कलंकित मत करे मेरे भाई करवा दी फिर मैसेज आया उसका उन्होंने कहा मैं जल्दी जल्दी कुछ करूँ भाई 3 घंटे में तो मैं उल्टा ही जाना भाभी तो तेरे भतीजे के जवाब दूंगा कोई नहीं भी आई ने कही है कि मैं तो या करेगी और मैं लेकर आ जाऊंगा टेंशन ना ले तो ठीक है रो ना दुखी ना हो तेरे हाथ में इज्जत ठीक है नरसिंह भाई चुप हो जानू ना करे आऊं रुक मैं चाय बनवा दूं पानी पी ले रुक तू को डर डर नो नीलामी आले बैठे तू जरूर आ जी भाई हां हां ठीक जरूर कदे भूल जा ना आऊं मैं जल्दी आऊंगा ठीक हां ठीक है मेरा बाप इतना खुददार मानस था वो जिंदगी में किस्सा का नहीं चुका
लेकिन तेरी माँ का झुका गिड़गिड़ाया रोया तेरे बाप के पाया में पड़ा। लेकिन तेरे बाप ने तेरी माँ ने मेरे बाप की जुम्मा भी कदर कौन करी। जब उस दिन तेरी माँ मेरे बाप तेरे पे दे दिन दिन है तो उसका क्या घट जाता। लेकिन ना उसका तो बिजनेस में घाटा हो जाता। तेरी माँ की वजह से मेरी जिंदगी में जो घाटा है उसकी भरपाई कर देगी कि तेरी माँ बोले ना देगी मेरे बाप ने बोल है। लेकिन क्यों तेरी माँ का तो घमंड कौन टूटा तेरा कौन क्या सड़ा है। मैं सब समझू लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है। तेरा कसूर तू उसकी बेटी है यो कसूर है तेरा। माफ कर देंदा लेकिन तेरी माँ का तो इतना बड़ा नाक है ना किसा के झुकना पसंद कौन करे। लेकिन तेरी माँ ने तो किसा के झुकना पसंद कौन ने। आज उधर तारा कारोबार चल रहा है बड़ी बड़ी गाड़ी चल रहे है तू एशिया में घूमे सिर्फ मेरे बाप की खून पसीना ही कमाई है। उस दिन मेरा बाप नाट जाता तो आज मायूस का हम बैठे पंदे। रोहित रोहित बात तो सुन मेरी। देखिया कई दिन तक तो फार्म हाउस में जाया हुआ देख अलग ही फील आओगा बताइए। हाँ फील तो अच्छा हुआ है पर मच्छर खान लग रही है। यार देसी चीज है ये उरे तो मच्छर लड़ेंगे सिंपल सी चीज है तो 24 घंटे ऐसी हमरे है किस तरह समझाऊं तो ना मैं यह बात तन्नो बेरा है डेंगू मलेरिया 70 बीमारी हुआ है इनते एक ही लाल भी हो गया पा मैं कि मेरे पे तो लग रही है। यार कई बार तो मैंने सोचा करूं ये की है मनीता इतना बड़ा लेवल पहुंच गई तेरे तो ब्याह कर कर किस तरह रही है तेरे घर के बात है। आ जा यार मजाक मजाक का देख। अच्छा मैं ये कह रही थी पूनम उठी ना है मेरी बात सुनो ये कह रही थी वो कह रही थी अपना ऑफिस में करा कर मेरे तो राग ना करा कर। अच्छा मनु बता पूनम की तय मजाक ना करे। पूनम की सो रही होगी पूनम की जाएगी यार सोती ना उठी थी सोती होगी आराम से। हाँ आराम से आजो सगाई वाले आ ना करी है। सगाई वाले हाँ वो अच्छा बढ़िया बिजनेस है उनका और सही लेवल का है अपना तो रिश्ता तय कर दिया मैंने। मेरे तो पूछे भी कोनी है ना। ओहो देखने तो आऊंगी ले आए गई आएगी पूनम तू अटेती मन्नू कही थी ना आग मार कर कदम ना रखिए मना कर था ना तेरती फिर भी तू इसने लेके आ गई। चिंता ना करो आंटी मैं तारा कारण कोनी आया या तो अंकल की इज्जत थी या घर से भाजन गई थी उल्टी ले आया हूँ। देख लिया इब्बी भी क्यों कर बोला है अपने बाप के डाला कड़मा बोला है आगे इसकी इज्जत है बाहर तो कुछ है ही कोनी। आंटी बस बोतोली है मेरे बाप ती ना गई हो। देख ले मैंने कोई इसने निकाल दे तू अर्थ है जा तू अर्थ चला जा। और सुन तेरे ते कोनी गल लाग रही फटाक देसी तैयार हो ले रिश्ता देखन खतरा लाग रहे हैं। किसका रिश्ता तेरा और तेरा बाप का तो हो तेरा इसका तो हो रहा है। मम्मा के बोलन लाग रही है मैंने पापा से बताई थी ना कि मैं रोहित से प्यार करूं और इसी से ब्याह करूंगी। ओ तो थारा पापा बेटे की मिली भगत से या मेरे तो ईब समझ में आया सब तो ज्यादा छूट तन्ने दे रखी है हैं। मैं ऑफिस में रहूं इसका मतलब पीछे से इसने इतनी आजादी दे दी आज छोड़ इसका आज छोड़ दे ना मम्मा तूने ना छोड़न खातिर ना पकड़ा। देख मैं अच्छा इसका कितनी मनीता पागल हो रही है कि तू। मैं पागल हो रही हूं तो इसने शर्म आनी चाहिए ना। अरे इसकी माँ और खड़ी है और ये केक रन लग रही है पकड़ी खड़ी है कम से कम कोई स्टैंडर्ड कोई क्लास तो देख ले केक में गे लोगे अगमनीता की बेटी से घर में ब्याही गई है। आज भी आपने स्टैंडर्ड की पढ़ी है मम्मा मेरे तक आपने कोई मतलब को नहीं मेरी खुशी रोहित में है और यो बात पापा ने आपना अच्छी तरह बेरा है फिर भी आपने बस पैसा 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 क्या करोगी सब पैसा को आप। देख मैं कहूँ जरा मैं रिश्ता की कहूँ ना उड़े ब्याह करूंगी बस कह दिया तेरती स्टैंडर्ड की बात आप करो मम्मा इसका स्टैंडर्ड है और आज आप जिस मुकाम पे हो ना मम्मा वो सब इसके पापा की वजह से है ये बात क्या तरह भूल सको आप। जिस दिन आप दर दर की ठोकर खा रहा था ना इसका पापा था जिसने सहारा दिया था और आज आप इनका एहसान बोल रही हो आपने पैसा कला और कुछ दिखता ही को नहीं ना मेरी खुशी हाँ ना पापा किसी कुछ किसी से कोई मतलब को नहीं आपने। सही कहा बेटी आज जो पूरा डिस्ट्रिक्ट में इसका नाम है ना मनीता फरम कोई बात को नहीं टाइम टाइम की बात है को नहीं इसने आदमी चीज। आप भी ये बात कहने लग गए मैंने जो कुछ कराया थारी खातर तो कराया है ना मारी खातर मारी खातर मारी खुशी मेरी खुशी तो रोहित में है मम्मा।
रोहित 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 आप इसका एहसान भूल सको मैं को नहीं भूल सकू। और रोहित अगर आज तू मैंने छोड़ के चल गया ना मर जाऊंगी मैं तेरे बिना। देख पूनम मेरे तो पिज्जा बर्गर कोनी खवाने चटनी रोटी खानी पड़ेगी। खा लूंगी। बड़ी बड़ी गाड़ी कोनी जो तू ऐसे हम घूमे है साइकिल पे चलना पड़ेगा। रुदिन की याद कोनी वेतन 10,000 रुपये लगवा दिए थे और मेरे तो रही रोज की रोज 10,000 रुपये लगवाओगी तो मैं कितना लाऊंगा। तो एक के दिन तो लगवाए थे और उसके बाद एक भी रुपया लिया हो तो बता ना। रोहित सोच ले चल। देख लिया देख मेरे आगे और उसका हाथ पकड़ के चली गई। मैं कुछ कोनी की सब कुछ उसके उसे की तो कुछ खातर करया है। इतना सारा रुपया कमाया सारा उसे खातर तो करया था ना मने मेरा की कसूर था। मनीता 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 पूनम आप हाँ मैं इतने मेरे सिराने बैठे थे कि मैं इतनी बुरी हो के मैं एक अच्छी माँ कोने के। मनीता अच्छी है तू बहुत पर तू पैसा का लालच में बिजनेस का लालच में प्यार प्रेम दोस्ती रिश्तेदारी माँ बेटी का प्यार हस्बैंड वाइफ का प्यार तू सब भूल गई। मनीता जा तो मैं भी सकूता तुम छोड़ के पर मैंने प्यार कर आदर तय और प्यार की पहचान उससे टाइम हुआ करे जब आदमी मुसीबत में हो। सोच एक बार यार ये गलती थी नरसिंह की मनीता। सोच एक बार उसने कितना बड़ा एहसान करा था अपने ऊपर। एक आदमी यार जिसने ना अपना घर सोचा ना अपनी फैमिली सोची छोटे छोटे बालक उनके बारे में कौन सोचा सबकी मैं अपने खातिर गिरवी धर दिया। अरे तने 4 दिन का बाद गई थी ना पीले का 4 दिन पहले चल जाती तो आज वो नरसिंह बैठा होता मेरे बराबर में। आज नरसिंह की फैमिली खुश होती और आज मेरी बेटी जो उड़ते दुखी होकर गई है ना वह खुशी खुशी होती और उड़त है पूरा गांव में जिमा का ब्याह करता उसका मैं पूरा गांव में जिमा का करना ना तो बस बिजनेस चाहिए मनीता नाम चाहिए फर्म बड़ी होनी चाहिए तेरी पैसा चाहिए डर ले तेरा पैसा ने ना तेरी छोरी तेरे धोरे ना तेरी फैमिली का प्यार तेरे धोरे। मैं मान लू मैं उसकी भरपाई नहीं कर सकती मैंने गलती इतनी बड़ी करी है फिर तू भी तो कदे को नहीं बोला कम से कम कोई गलती करू थी तो मैंने टोक तो उस कहता मैंने समझाता कि सही है कि गलत है। के बोल लू मैं नू कहूं मनीता तू मेरी सुनती को नहीं सुन ले मैं नू कहूं मनीता तू ऑफिस में जा है बैठ के मेरे गल बात कर। अरे दो घड़ी बतला के तो देख पर ना तने फुर्सत तो कौन थी जीरो या करता मेरा तड़पया करता मैं तेरे से बात करने कि दो घड़ी बतला ले इन्हें बताऊं इन्हें समझाऊं पर ना मैंने कहा चलो कोई बात को नहीं टाइम आने पर अपने आप समझ जाएगी पर फिर भी तने इब्बी भी तेरे दो मौका है चली जा उठे चल मेरे गल मनीता बताई दिल की बुरी कोनी वो भाभी आज तक ना करनू को नहीं कही कि तारे कारण मेरा आदमी मर गया तारे कारण मेरा बेटा गया उसने बेटा बहु मान रखे थे आपा और के करे उसके गलापन है सोच कर देख एक बार अगर तेरे गली से कुछ हो जाता ना तू जिंदे जी मर जाती मनीता। हाँ तो ठीक है ना वो मैं बुरी मैं गणी बुरी हूँ पर इतना भी तो समझो ना मैंने नहीं बेरा था इतना कुछ हो जाएगा वो भी मेरी एक गलती था नहीं तो मैं क्यों करती सा मैं तो उसने बहुत कुछ मान्या कर दी और एक बार जब प्यार तैयार नु कर लेने अग मम्मा मैं रोहित के बगैर नहीं रह सकती तो के मैं मानती कौन नू घर छोड़ के कौन जाया करे। मैंने बेरा था मनीता मैंने बेरा था कि अपनी पुन्नम रोहित ने चाहो है मैंने बेरा था वो अपनी जान तो ज्यादा प्यार करे उसने पर मैं क्यों कोनी बोलया क्यों कोनी कही आज तक क्योंकि मैंने नू भी बेरा था कि जब तू उस छोरा ने देख के कोनी खुश तो तेरे तो यह बात बता दी तू क्या करेगी। वो मेरा दुश्मन थोड़ी ना बस वो बेइज्जती करी थी मैं तो उसका गिला सिखवा ले की बैठी थी उनने कदे मेरी सुनाई ना करी। हर सुनो
मैं जाऊंगी जरूर, पर खाली हाथ नहीं। जो गलती करी है उसकी भरपाई करूंगी पहले, फिर आगे उनकी मर्जी है कि मन माफ करे या ना करे। हर पूनम हमेशा उन्हें का धोरे रहोगी बहु बन की। चाली मन एक बार ले चाल बेटी, माफ तो कर दूंगी तेरी मां, फिर तेरी मां ने पैसा का घमंड दिखाया, हक में कई करोड़ लेके आई। तेरी कोई गलती को नहीं बेटी इसमें। हाँ वो अपना एक पल्लू भी दिन देना आंसू पूंजन खातर तो भी मैं बोल जाती सारी बात, फिर तेरी मां ने वो काम ना करे। वह पूरी घमंडता आई थी, उसने एक बार भी छाती का ना लगाई मैं, उसको तो पैसे का फतूर चढ़ रहा था सिर पर। पर कोई ना बेटी, इसमें तेरी तो क्या गलती से, सारी गलती तो तेरी मम्मी की सन है बेटी। तू हाँ माँ, माँ मैंने गलती इतनी बड़ी कर रखी है, माफी के काबिल तो खोनी, बाकी इसका खामियाजा जरूर भुगतना आई हूँ मैं एक आखिरी बार। हट रहे ना बेटा, मैं तो ना लेने को नहीं आई, तू इससे घर की बहू बनेगी। रोहित अच्छा तेने कोई लड़का मिल भी नहीं सकता। ये वो जमीन की कागज है जो मेरे कान खोनी पड़ी थी, मैंने मेरी गलती का एहसास है, उसकी तो भरपाई मैं कोनी कर सकती और ना मैं वापिस ले आ सकती। जमीन खोनी पड़ी थी, मैंने तो मेरा सब कुछ खो दिया, जिसका बेटा माँ कागज ले जा से ना, उस माँ तो पूछ के देखो। माँ कोई बात को नहीं, दादी माँ बस एक बार माफ कर दे, मैं तेरा बेटा तो उल्टी कौन ले सकती। बाकी नू है जो उसका सपना था, एक मेरी पुश्तैनी जमीन मारे घर ही रहनी चाहिए, सारे कागज ले दिए मैंने, सारी जमीन खरीद की थारती दे दी। बेबे गलती मेरे तभी हुई है, बहुत बड़ी हुई है, मैं शायद उस दिन समझ जाती कि जो जख्म मैंने दिए है वो पैसा तो नहीं भर सकते, पर कोनी समझ में आई। मैं पढ़ी लिखी ओ किनर इतने अनपढ़ वाले काम कर दिए, बस ये सोच थी कि पैसा हर गाना भरते है, पर ना आज मेरी औलाद मेरे इतने दूर हुई तो बड़ा जी रोया। आज जब नू समझ में आई अब ममता की तड़फ की हुआ है, हर मैंने माफ कर दी बिल्कुल। मैं जब समझूंगी तब ना। रोहित बेटा मैं काबिल तो हूं कौन तारे, बस एक बार उस घर में कदम रख दो, मैं बेहतर ने जिंदगी में कदे शक्ल नहीं दिखाऊंगी। बेटी उस घर का कौन कौन है, मेरे बेटे की आवाज सुनेगी मैंने हर मैं। माँ किसी बात करो जो कोई बात को नहीं, उसकी आत्मा ने शांति तो मिलेगी। ताई देख भाई ने तो उल्टा कौन ला सकता, पर सबसे बड़ी गलती तो मन्ने एक राखी है जो मैं इसलिए समझा नहीं पाया। बताई हाँ मैं तो नहीं, मेरे पर जितना प्यार दिया जाएगा उससे ज्यादा प्यार देने की कोशिश करूंगा और आगे तो तेरे तोरे रहूंगा। बस एक जो सपना था मेरा भाई का वो सपना आज मैं पूरा करना चाहूंगा। माँ बेटा लदो बदो सुखता रहो, हर बेटा तू भी आज तुम्हारा साथ रहेगी, सोगी सोगी बेटा, मार बाग मैया लिखी थी चलो वो गर्भाट देखा है। आ जाओ बेटी